गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले जो लेसन है उसकी चर्चा कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में शक्ति और विद्युत शक्ति से संबंधित जो है वो बातें कर ली थी। आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि जो हमने लास्ट में क्या छोड़ा था, KWH के ऊपर बात छोड़ी थी, यूनिट जो है। तो आज हम बात करेंगे कि एक KWH में कितने जूल होते हैं, ठीक है ना। तो एक KWH में कितने जूल होते हैं उसकी हम क्या करेंगे आज गणना करके देखेंगे, ठीक है भाई। कि हम क्या करेंगे, एक KWH में कितने जूल होते हैं उसकी आज हम क्या करेंगे गणना करके देखते हैं। तो हमें पता है कि एक KWH, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक KW गुणा एच, और एक KW का मतलब क्या हो गया, एक KW का मतलब एक किलोवाट है ना। एक किलोवाट का होता है कि जब 1000 वाट जो होते हैं वो बड़ी इकाई में जब उसको हम लिखते हैं तो 1000 वाट जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, एक KWH के। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, एक KW का मतलब क्या हुआ, एक किलोवाट। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक किलोवाट, और एक किलोवाट जो होता है वो इक्विवेलेंट है किसके, 1000 वाट के। जहां 1000 वाट हो जाते हैं वहां एक किलोवाट, या एक किलोवाट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं। तो यहां पर ठीक है ना, एक KW गुणा एक एच, तो एक KW मतलब एक किलोवाट, और एक किलोवाट जो है वो बराबर है किसके, 1000 वाट के। किसके बराबर है, 1000 वाट के। उसके बाद देखिए हमारे पास है एच है ना, तो ये समय है घंटे में है ना, एक एच है, और समय हमें पता है कि अपन किसके रूप में लेंगे, सेकंड के रूप में। तो एक घंटे में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। मतलब एक घंटे में हम कहें तो कितने हो गए, 3600 है ना, 6 को 6 से गुणा किया 36, और 2 जीरो ये हो गए। तो एक घंटे में कुल कितने सेकंड हुए हमारे पास, एक घंटे में हो गए 3600 सेकंड। तो देखिए ये इस तरह से 3600 सेकंड, यदि अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 36, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 की घात कितनी लिख सकते हैं, 5 और 8 सेकंड, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे अपन इसको, 36 गुणा 10 की पावर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार 5 जीरो लगा सकते हैं, 3, 4 और 5 वाट सेकेंड, और उसके बाद इसको छोटा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 वाट सेकेंड, ठीक है ना। 36 गुणा 10 की घात 5 वाट सेकेंड हो जाती है, और हमें पता है कि वाट सेकेंड जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल के। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, ठीक है भाई। यहां पर अपन क्या कर देंगे, वाट सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, जूल के। तो अपन इसको क्या कहेंगे, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। अब इसको वैज्ञानिक विधि से लिखने के लिए इसको छोटा करेंगे है ना, बड़ी संख्याओं को वैज्ञानिक विधि से क्या कर देते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से लिखते हैं तो छोटा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद एक जो अंक है उसके पश्चात दशमलव का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3.6, और दशमलव के बाद एक अंक है तो हम क्या करेंगे, एक घात जो होती है उसको बढ़ा देंगे पावर में। तो ये 10 की घात पहले यहां 5 थी, अब इसको अपन कितना कर देंगे, 6 कर देंगे है ना। तो हमारे पास एक KWH जो है ना, 1 KWH जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहां 1 KWH जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3.6 × 10 की घात 6, और आगे अपन इसको क्या लिखेंगे, जूल। तो देखिए एग्जाम के अंदर भी इसको कई बार पूछा जाता है कि एक KWH में कितने जूल है, इसको आप कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए 1 KWH जो है इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 1 KW और 1 H, ठीक है। 1 KW को अपन क्या कहेंगे कि 1000 जो वाट होते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है KW, मतलब 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट, 1000 वाट होने पर उसको हम 1 किलोवाट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपन ने इसको 1000 वाट कर दिया, और एक घंटे में कुल कितने सेकंड हुए, 3600 मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 36 के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 जीरो,
ठीक है ना। तो इसको अपन छोटा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 36 × 10⁵ वाट सेकंड, जिसको अपन कहेंगे जूल। अब देखिए वैज्ञानिक विधि से इस बड़ी संख्या को और छोटा करें तो पहले अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात जितने भी अंक होते हैं उतने घात जो होते हैं उसको बढ़ा दिया जाता है। तो 3.6 एक अंक के बाद लगा दिया हमने और या दशमलव के बाद एक अंक था तो इसकी घात जो है उसमें एक की बढ़ोतरी कर देते, तो 5 × 7 पर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हो गया AKWS = 3.6 × 10⁻¹⁶ कितने 6 जूल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है वो 1 kW में कितने जूल होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ शक्ति से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है उनकी, कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में भी जो है वो इसमें करने हैं, ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं कुछ आंकिक प्रश्नों की, है ना, शक्ति पर आधारित। शक्ति पर आधारित क्या है, आंकिक प्रश्न है, ठीक है भाई। गणित की समस्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे हल करने का प्रयास करेंगे। पहली है हमारे पास एक 60 किग्रा का व्यक्ति, एक 60 किग्रा का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, ठीक है भाई। क्या है कि एक 60 किग्रा का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो व्यक्ति द्वारा उपयोग या उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। हमें क्या दिया है, देखिए 60 किग्रा दिया है तो ये द्रव्यमान हो गया m, तो m बराबर कितना है 60 किग्रा, ठीक है भाई। उस व्यक्ति को कितना समय लगता है 30 सेकंड का, तो t कितना है यहाँ पर 30 सेकंड है और यहाँ ऊंचाई कितनी है, विस्थापन कितना होगा h बराबर 5 मीटर हो गया, ठीक है भाई। हम क्या कर रहे हैं, m कितना 60 किग्रा, t कितना 30 सेकंड, h कितना आया 5 मीटर आ गया। हमें क्या निकालनी है, उस व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई शक्ति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शक्ति क्या होती है, शक्ति हमें पता है कार्य बटा क्या होती है समय, ठीक है भाई। P बराबर कितना W बटा T होता है। अब देखिए इस W को कैसे निकालेंगे, तो W हमें कार्य वाले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमें पता था कि यहाँ पर वस्तु को किसी ऊंचाई पर मतलब ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में W क्या होता है mgh होता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य होता है। ऐसी स्थिति में कार्य कौन कितना लिखेंगे mgh लिखेंगे और समय से इसको भाग कर देंगे, तो शक्ति बराबर क्या आ जाएगा p बराबर mgh बटा t। तो मान निकालिए इतना m की जगह रखेंगे 60, g की जगह, g अपना फिक्स है आंकिक प्रश्नों में, वैसे 9.8 m/s² होता है लेकिन यहां हम कितना लेंगे इसको 10 m/s², तो यहां इसको 10 और ऊंचाई कितनी है 5 और समय कितना है 30, ठीक है। 30 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कैलकुलेट करें कितना आएगा p बराबर 2 × 10 × 15 × 5, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया 5 × 10 और 10 × 10 कितने हो गए 100, P आ गया हमारे पास कितना 100 और P का मतलब क्या लिखेंगे W, है ना, वाट। तो इसका मतलब यहाँ उसके द्वारा जो उपयोग की गई शक्ति है वो कितनी है 100 वाट है, ठीक है भाई 100 वाट है। तो इस तरह से हमारी जो गणितीय समस्या थी, 60 किग्रा का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो उसके द्वारा उपयोग की गई शक्ति कितनी आई है 100 वाट आई है, ठीक है भाई। इसी तरह से हम एक और अन्य एग्जाम्पल जो है उसको लेते हैं, ये गणित की समस्याएं जो है वो सरल है केवल हमें समझ में आने पर है। देखिए
इसमें एक लिखा है कि सुरेश और रमेश, ठीक है ना, एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। दोनों के लिए जो विस्थापन है वो समान है, कितना है h जो है वो 15 मीटर है। रमेश को चढ़ने में 19 सेकेंड, ठीक है ना, 19 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है भाई, 19 सेकेंड का समय लगता है, जबकि सुरेश 15 सेकेंड, ठीक है भाई, 15 सेकेंड में ही चढ़ जाता है। मतलब एक को 19 सेकेंड लग रहे हैं, एक को 15 सेकेंड लग रहे हैं, दोनों के लिए कार्य जो है वो समान है। तो जिसको कम समय लगेगा उसकी शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो क्लियर है। यदि दोनों में प्रत्येक का भार जो है या वजन जो है वो कितना है 38 किग्रा है, दोनों ही 38 किग्रा वेट के हैं, हो तो प्रत्येक के द्वारा वे की गई शक्ति ज्ञात करें, ठीक है ना, शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए दो कैंडिडेट हैं हमारे पास, एक तो है सुरेश और दूसरा कौन है रमेश है। तो पहले अपन यदि हल करते हैं इसको, तो एक साइड में अपन लिखेंगे सुरेश द्वारा व्यय की गई शक्ति, ठीक है भाई, और एक तरफ जो है हम किसको लिखेंगे रमेश के द्वारा, ठीक है ना। तो एक तरफ लिखेंगे रमेश के द्वारा व्यय की गई शक्ति, ठीक है भाई, क्लियर है। दो चीजें हमारे पास, एक सुरेश है और एक रमेश है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों के लिए h जो है वो कॉमन है ना, h बराबर कितना है 15 मीटर है, दोनों के लिए m इक्वल है कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, समय अलग अलग है, ठीक है भाई। तो यहां पर सुरेश का यदि अपन भार निकालें, सुरेश का भार तो कितना आएगा, यहां पर mg हो जाएगा, और कितना देगा 38 × 10 बराबर कितना 380, ठीक है ना, और ये आ जाएगा न्यूटन के अंदर, ठीक है भाई। और एच कितना है इसका 15 मीटर है, और समय जो है तो समय देखिए सुरेश को कितना लगता है 15 सेकंड का समय लगता है, ठीक है भाई। तो यहां पर इसकी शक्ति कितनी आ जाएगी सुरेश की, तो P बराबर कितना आ जाएगा, वैसे तो W बटा T लिखेंगे, और W बराबर हम कितना लिख सकते हैं MGH, ठीक है ना, बटा T। तो M की जगह अब यहां पर भार जो है वो कितना हो जाएगा 380 × g 10 हो जाएगा, h 15 बटे समय भी कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा, ठीक है भाई। सॉरी यहां भार अपन ने निकाल दिया है ना, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे 380 × 15/15, ठीक है भाई, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास p कितना आ जाएगा 380 बार आ जाएगा। इसी तरह से यदि रमेश की बात करें अपन, तो रमेश का भार जो है वो कितना आएगा, रमेश का भार जो है वो कितना आ जाएगा, m को g के साथ गुणा कर दें, तो यहां पर भी 38 × 10 है, ये भी कितना हो गया 380 न्यूटन बन जाएगा आपका, ठीक है भाई। और इसके लिए भी ऊंचाई सेम है, कितनी है 15 मीटर है, और t भी कितना है इसका, तो देखिए यहां इसको t जो है वो कितना लग रहा है 19 सेकेंड लग रहा है, कितना लग रहा है 19 सेकेंड। तो इसकी शक्ति की गणना करेंगे तो क्या आएगा, P बराबर W बटा T, और इसको अपन लिख सकते हैं एम जी एच बटा T हो जाएगा। तो एम जी कितना है यहाँ पर 380 × 15/19, ठीक है भाई। तो यहाँ 19 × 19 = 38, यहाँ 20 बार कट जाएगा इससे, तो P बराबर कितना 20 × 15, तो 15 × 30 इसका मान कितना आ जाएगा, P का मान 300 वाट आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर कितना आ रहा है 380। इसका मतलब देखिए जिसको कम समय लग रहा है ना, तो यहां पर रमेश को क्या है 15 सेकेंड ही समय लग रहा था, तो इसकी शक्ति क्या है ज्यादा है, और रमेश को इसकी तुलना में ज्यादा समय लग रहा था, तो इसकी शक्ति क्या है
कम है। दोनों को अलग अलग हमने कैलकुलेट कर लिया, जैसा पूछा था कि प्रत्येक के द्वारा वह की गई शक्ति जो है उसकी गणना कीजिए। ठीक है भाई, एक और अंकित प्रश्न जो है उसको हम अब करते हैं। देखिए एक और अंकित प्रश्न की बात करें तो एक लिफ्ट है 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंचती है। ठीक है भाई, यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य W व लिफ्ट की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, और यहां पर G = अपने को दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। दो चीजें जो है वो हमने को यहां पर ज्ञात करनी है, एक तो किया गया कार्य बताना है और दूसरा जो है वो इसके अंदर शक्ति जो है उसको निकालना है। ठीक है ना, लिफ्ट के द्वारा कितने शक्ति है वो चीजें देखना। यहाँ पर एक कार्य है जो लिफ्ट के द्वारा है और यहाँ लिफ्ट की क्या ज्ञात करनी है, शक्ति जो है उसको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिफ्ट द्वारा किया गया जो है वो कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य देखो, लिफ्ट जो है वो क्या कर रही है, ऊंचाई पर जा रही है ना। तो ऐसी स्थिति में W क्या होगा, MGS होगा। M जो है वो कितना है, यहाँ 1000 है किग्रा, और G का मान 10 और ऊंचाई जो है वो कितनी है, 300 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 3 × 10 की घात क्या जाएगी, 6। ठीक है ना, वर्क W जो है वर्क है, तो वर्क का मात्र क्या होता है, जूल होता है। तो लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य कितना आया, 3 × 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, लिफ्ट की क्या याद करेंगे, शक्ति याद करते हैं। तो हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, W/T, और W हमें पता है कितना है, हमने अभी निकाला है W 3 × 10 की घात कितना, 6। और इस कार्य को करने के अंदर उसको समय जो है वो कितना लगा था, 5 मिनट दिया हुआ है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए समय t बराबर 5 मिनट है, तो 5 × 10 = 60 सेकंड होते हैं, ये कितना हो जाएगा, 300 सेकंड जो है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 300 से इसको डिवाइड कर देंगे तो शक्ति कितनी आ जाएगी, देखिए यहां पर 3 × यहां 6 बार आप 0 लिख सकते हो, बटा 300, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से 1 काट दिया, 1 बार बच गया क्या हमारे पास, ये P बराबर 1, 2, 3, 4, 10^4 क्या आ जाएगी, W शक्ति। ठीक है ना, वाट में आ जाएगी शक्ति, P कितनी आएगी, 10^4 जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से कुछ आंकड़े प्रश्न हमने हल किए हैं, कुछ जो आपको होमवर्क के रूप में है, बात करें होमवर्क के रूप में तो शक्ति पर आधारित कुछ जो है आप लोगों को किताब में है ना उदाहरण दिए हैं जो किस पर आधारित है, शक्ति पर। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक के क्या है आंकिक प्रश्न है उनको आप SW के रूप में जो है वो कर सकते हैं। कुछ गणितीय समस्याएं मैंने हल आपके सामने करके दिखा दी हैं, कुछ आप प्रयास करें, कुछ एग्जाम्पल जो है वो शक्ति पर आधारित है और कुछ पाठ्य पुस्तक के पीछे जो आपके प्रश्न दिए हैं वो भी शक्ति वाले सूत्रों पर ही आधारित है। तो आप थोड़ा सा इसको एक दो बार करने का प्रयास करें, आप लोग बड़ी आसानी से इनको सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में लगभग ये कार्य जो है वो पूरा हो गया आपका लेक्चर का। नेक्स्ट वीडियो में हम
नए चैप्टर के साथ में आपके साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।